क्रिकेट की इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले क्रिकेट की एक्सक्लूसिव खबरें। दिल्ली कैपिटल्स की जीत के हीरो रहे पृथ्वी शॉ। पृथ्वी ने शानदार पारी खेली लेकिन 99 रन पर आउट हो गए और अपना शतक नहीं बना पाए। यही नहीं, पृथ्वी को शतक ना बना पाने का इतना ज्यादा मलाल हो गया कि पृथ्वी शॉ बुरी तरह रोने लगे और मैदान में ही बैठ गए। यहां तक कि रिकी पॉन्टिंग और सौरव गांगुली भी उन्हें देखकर इमोशनल हो गए। तो आप भी इस पर कमेंट जरूर करें। दिल्ली कैपिटल्स की जीत तब तक तय लग रही थी जब तक पृथ्वी शॉ क्रीज पर थे, लेकिन 19वें ओवर में जल्दबाजी के फेर में पृथ्वी शॉ आउट हो गए और वो एक रन से शतक बनाने से चूक गए। 99 रन पर पृथ्वी शॉ आउट क्या हुए, पहले तो वो खुद से बेहद नाराज हुए और फिर पृथ्वी शॉ रोने लगे। जी हाँ, पृथ्वी आउट होकर डगआउट भी नहीं गए और बस बाउंड्री लाइन पर मैदान में ही बैठ गए। पृथ्वी का चेहरा बेहद रुआंसा था। 18 साल के पृथ्वी शॉ आईपीएल में अपना पहला शतक बनाने से चूक गए थे और वो शतक बनाते तो सबसे कम उम्र में आईपीएल का शतक रिकॉर्ड भी होता, लेकिन वो आउट हो गए। अब पृथ्वी शॉ आउट होने के बाद इतने खुद से नाराज थे कि बाउंड्री लाइन पर बैठ गए और उनके आंसू निकल रहे थे। अब पृथ्वी शॉ को देखकर डगआउट में बैठे रिकी पॉन्टिंग और सौरव गांगुली भी इमोशनल हो गए। दोनों ही पृथ्वी के लिए तालियां तो बजा रहे थे लेकिन उनकी भी आंखें भरी हुई थी। हालांकि बाद में पृथ्वी शॉ की इसी पारी की बदौलत दिल्ली कैपिटल्स को जीत भी मिली, लेकिन वो बच्चों की तरह रो रहे थे। तो आपको पृथ्वी शॉ की इस शानदार पारी पर क्या कहना है, आप भी कमेंट जरूर करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।